वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का एनुअल एग्जामिनेशन पेपर 2018 का, ठीक है। जूलॉजी का फिफ्थ सेमेस्टर है, कोर डेटा। मैक्सिमम मार्क्स आप देख सकते हैं, यू कैन सी 15 मार्क्स का है, ठीक है। पूरा पेपर 50 नंबर का है और 3 आवर्स का, ठीक है। 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना पड़ता है। एंड नाउ दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई, ठीक है। और सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 14 या 13 वर्ड्स में उनका एक्सप्लेनेशन करना होता है, ठीक है। तो चलिए सेक्शन ए के पास चलते हैं। सेक्शन ए जो होता है वो परसेंटेज मेकिंग होता है, क्योंकि यहाँ से आपके 2 नंबर में 1 क्वेश्चन होगा, ठीक है। और 10 क्वेश्चन होते हैं तो 2 × 20, ठीक है। टोटल 20 मार्क्स का सेक्शन ए होता है। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है बक्कल डाइवर्टिकुलम के बारे में, बक्कल डाइवर्टिकुलम क्या है, ठीक है। उसके बाद कोर डेटा से, ये सब के सब शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से लिए गए हैं, कोर डेटा से, ठीक है। आपका सेमेस्टर है कोर डेटा। विलम ऑफ एम्फियोक्सिस, एम्फियोक्सिस के विलम के बारे में पूछा गया है। एंडोस्टाइल ऑफ हर्डमानिया, हर्डमानिया के एंडोस्टाइल के बारे में पूछा गया है। एंड उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि हर्डमानिया में प्रतिगामी कायांतरण, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन हर्डमानिया, ठीक है। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन डिप्नोई, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन डिप्नोई पर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। न्यूटिनी क्या होता है या फिर पीडोजेनेसिस क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया है, न्यूटिनी या पीडोजेनेसिस। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन यहाँ पर क्या है, रिंकोसिफेलिया, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है रिंकोसिफेलिया पर, और सभी शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 नंबर में है। ये सब के सब शॉर्ट क्वेश्चन इस चैनल पर अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया है रेटाइटी के बारे में, जो कि फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं, ठीक है। रेटाइटी क्या होता है, फ्लाइटलेस बर्ड, जिसकी जो मतलब कि न उड़ने वाले पक्षी। फ्लाइटलेस का मतलब क्या होता है, मतलब उनकी जो पंख होते हैं वो नहीं होते, तो इस तरह के जो पक्षी होते हैं वो रेटाइटी कहलाते हैं। मतलब 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनमें से आपको आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो मार्क्स होते हैं वो कटते नहीं हैं, ठीक है। अगर आपने कम्प्लीटली डिफाइन किया है और डायग्राम भी वहाँ पर बनाकर दिया दिखाया है, तो 2 नंबर आपको डेफिनेटली मिलेगा 1 क्वेश्चन का। तो इस प्रकार से टोटल 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 50 में से 17 नंबर चाहिए होता है पासिंग के लिए, लेकिन आपको परसेंटेज की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर, देखिए उसके बाद क्वेश्चन आया है व्हाट इज़ प्रोटोथीरिया। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है प्रोटोथीरिया के बारे में, प्रोटोथीरिया क्या है इसके बारे में एक्सप्लेन करें। उसके बाद राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन काइरोप्टेरा, काइरोप्टेरा के ऊपर जो है क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन होते हैं जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में, ठीक है। सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, ये चारों सेक्शन जो होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन का होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको जैसे सेक्शन बी है इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चंस दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है डिस्क्राइब इन डिटेल द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बेलोनोग्लोसिस, ठीक है। बेलोनोग्लोसिस में विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम, यहाँ पर डायग्राम के समेत यहाँ पर पूछा गया है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। बेलोनोग्लोसिस का डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा गया है। और अगर आपको ये नहीं आता है तो इसके जो ऑप्शनली क्या पूछा गया है, विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सिस, एम्फियोक्सिस के सर्कुलेशन सिस्टम पर पूछा गया है, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी क्वेश्चन आपको आता हो उसे आप मेंशन करें, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया है सेक्शन सी, सेक्शन सी में क्वेश्चन आया है गिव एन अकाउंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मैकेनिज्म ऑफ हर्डमानिया। तो यहाँ पर हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछा गया है, ठीक है। और इसका जो फीडिंग मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे मतलब खाना किस तरह से खाते हैं, कैसे चबाते हैं, किस तरह से फूड का डाइजेशन करते हैं, ये सब प्रोसेस जो है फीडिंग मैकेनिज्म में आता है। तो 7.5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके ऑप्शनली अगर आपके ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप यहाँ पर ये राइट शॉर्ट नोट्स, यहाँ पर शॉर्ट के तरह से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, टेस्ट ऑफ हर्डमानिया, हर्डमानिया के टेस्ट के बारे में लिखें, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, एंड टेडपोल लार्वा ऑफ हर्डमानिया, हर्डमानिया का टेडपोल लार्वा। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन, 2.5 × 5 और ये 7.5 नंबर का ये तीनों आया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नंबर मार्क्स जो है आपके वो डिवाइड है। अब यहाँ पर सपोज करो 2.5 नंबर दे दिए, यहाँ पर भी 2.5 नंबर दे दिए, अगर इसे आपने कर दिया तो इसमें भी 2.5 नंबर, तो मतलब पूरे 7.5 नंबर आप यहाँ पर ला सकते हो, जबकि इसके विपरीत यहाँ पर आपको 5 या 6 नंबर मिल सकते हैं मैक्सिमम, अगर आप पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 7.5 नंबर का एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें अगर आप कंप्लीटली डिफाइन करोगे, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, कोई भी मतलब किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, तब आपको 7 नंबर मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या देखा
कि यहाँ पर पूछा गया है सेक्शन डी, सेक्शन डी आई होप यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग, फॉलोइंग पे पूछा गया है यहाँ पर अफिनिटीज ऑफ डिप्नोई, ठीक है, अफिनिटीज़ पूछी गई डिप्नोई, न्यूटिनी एंड पीडोजेनेसिस क्या होता है, जनरल फीचर्स ओ एंड अफिनिटीज़ ऑफ जिम्नोफिनिया, ठीक है, फियोना का वहाँ पर अफिनिटीज़ एंड जनरल फीचर्स पूछा गया है। तो आई होप आपको यहाँ पर, अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आता है तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन मेंशन कीजिए, और डेफिनेटली आपको यही मेंशन करना ही चाहिए क्योंकि आप इसके बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिस्क्राइब द बीटिंग अपरेटस एंड बीटिंग मैकेनिज्म ऑफ पॉइजनस स्नेक, ठीक है, मतलब कि जो विषैले सर्प होते हैं, जहरीले सांप होते हैं, उनके बीटिंग अपरेटस के बारे में, मतलब जिससे वो काटते हैं, जिससे उनका विष हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, कैसे वो काटते हैं, उनका बीटिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, सब उसमें आपको मेंशन करना होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेक्शन ई में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग एक्वाइटिक अडेप्टेशन इन मैमल्स, मैमल्स में एक्वाइटिक अडेप्टेशन कैसे हुआ भाई, कैसे जो है मैमल्स वो जल में रहने लग गए, उनमें ये अडेप्टेशन कैसे आई, इसके बारे में आपको बताना होगा। फ्लाइटलेस बर्ड मतलब पंखहीन जो, मतलब ऐसे चिड़िया या ऐसे बर्ड्स जिनकी जो पंखहीन होते हैं उनके बारे में लिखिए। थर्ड नंबर पर आया है आर्कियोप्टेरिस क्या होता है, तो साढ़े यहाँ पर ढाई ढाई और 3.5 नंबर, ठीक है, मतलब कि सभी के सभी ढाई ढाई नंबर में है और 7.5 नंबर का ये क्वेश्चन बना है। तो सेक्शन ई में आई होप आपको ये करना चाहिए। इसके ऑप्शनली क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा आया हुआ है। तो लास्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन टूथ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर, राइट योर डिटेल डेंटल फॉर्मूला। तो यहाँ पर डेंटल फॉर्मूला पूछा गया है, ठीक है, किसका डेंटल फॉर्मूला, मनुष्य का, ठीक है, यहाँ पर योर लिखा गया है मतलब कि आपका, क्योंकि आप एक मनुष्य हैं। तो इसका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है ये आपको बताना होगा। स्तनधारी के दांत की संरचना, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मैमल्स टूथ, जो मैमल्स का जो दांत होते हैं उनकी स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टूथ आर देयर, मतलब मैमल्स में कितने तरह के दांत, जिसमें कुत्ता बिल्ली ये सब मैमल्स है क्योंकि इनमें मेमरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ कि ये पूरा एग्जामिनेशन पेपर बहुत आसान आया है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आती, प्रॉब्लम यहाँ आती है, स्टूडेंट पढ़ भी लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन फाइनली उसके मार्क्स कहाँ पर कम रह जाते हैं, परसेंटेज क्यों नहीं बन पाती, तो उसका रीज़न ये है कि आप एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाते, जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं आप प्रोवाइड करा पाते, एग्जामिनर को प्रभावित नहीं कर पाते, इसका कारण क्या है। अच्छा, आपने सपोज करो आपको कोई भी सेक्शन में से आपको क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कैसे करना होता है, देखिए सबसे नंबर वन क्वेश्चन पेपर आपने देखा, अगर आपको लगता है सेक्शन ए में कम से कम आप 8 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले सेक्शन ए करना चाहिए। अगर आपको लगता है सेक्शन ए में आप कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, 4-5 क्वेश्चन आपको आता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहिए, और फटाफट जो भी क्वेश्चन सबसे पहले जिसके बारे में आपको लगता है कि बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूं, उसे सबसे पहले आप वहां पर एक्सप्लेन करें, ठीक है, चाहे वो यही लास्ट लास्ट में दिया गया हो, चाहे वो पहले दिया गया हो, कोई भी क्वेश्चन हो जिसके जो लगता है आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सके, पहले आप उसे अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो ये तरीका होता है, और डायग्राम इतनी अच्छा बनाइए क्योंकि डायग्राम ही आपकी एक्सप्लेनेशन है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, कई डायग्राम में, कई पेपर में, कई वीडियोज में बता चुका हूँ, डायग्राम ही आपकी अच्छी एक्सप्लेनेशन है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर इस एग्जाम पेपर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।